टाइटल ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पर से न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से टाइटल ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। तब हमें ये टेम्पलेट फाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो रूट है उसका ऑटोडेस्क में सी के अंदर रेविट 2021 फैमिली टेम्पलेट्स इम्पीरियल, और यहाँ पर टाइटल ब्लॉक्स के जो भी टेम्पलेट्स होंगे वो आपको दिखेंगे। अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करके उसके साथ काम करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद कर सकते हो, या फिर आप न्यू साइज क्रिएट करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। साइजिंग के बारे में आपको इस तरह का एक चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेपर का साइज़ है जो A0 है उसका MM में साइज़ 1189 और वेट 841 है। अगर हम उसके दो टुकड़े कर देंगे तो A1 साइज़ के दो पेपर बन जाएंगे जिसकी डायमेंशन 594x841। डायमेंशन लेते समय ये ध्यान होना, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगा। अगर हम A1 को डिस्क्राइब करेंगे तो 841x594 होगा। अगर हम A2 को डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, अगर पोर्ट्रेट है तो इस तरह देखेंगे, और अगर लैंडस्केप है तो इस तरह यहाँ से देखेंगे। अगर हमें वर्टिकल प्लेस करना है तो पोर्ट्रेट होगा, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। उस टाइम इसकी जो डायमेंशन होगी वो 594x420 होगी, लेकिन अगर पोर्ट्रेट करेंगे तो 420x59 होगी। फर्स्ट डायमेंशन अगर स्मॉल हुआ तो हमारा पोर्ट्रेट होगा टाइटल ब्लॉक की साइज। मैं इस न्यू साइज को सिलेक्ट करने के बाद ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद अपनी साइज के हिसाब से मैं यहाँ पर डायमेंशन को अपडेट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी डायमेंशन है, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद 10 इंच या जो भी मुझे मॉडिफाई करना है वो मैं कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद क्रिएट पैनल में जाकर यहाँ पर मुझे जो भी लाइन वर्क करना है मैं यहाँ पर लाइन वर्क कर लूँगा। लाइन वर्क करने के बाद फिर से क्रिएट में जाकर मैं यहाँ पर मुझे जो टेक्स्ट देना है मैं पहले वो दे दूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखूंगा प्रोजेक्ट नेम और मैं इसे ओके कर दूंगा। इसकी हाइट, उसके कलर, उसकी साइज़ को मैं यहाँ पर से एडिट करूँगा। यहाँ पर जिसकी टेक्स्ट साइज़ है अगर मैं उसे MM में देखना चाहता हूँ तो मैं यूनिट एज यूजल चेंज कर लूँगा लेंथ में जाकर। और यहाँ पर से मैं इसको 1.5 mm सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक लेबल क्रिएट करूँगा ताकि मैं मुझे हर बार यहाँ पर जितनी भी सीट में मैं प्लेस करूँ वहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट का नाम हर बार मुझे लिखना ना पड़े। मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम करूँगा। सेम वे एस्केप करने के बाद, लेबल को सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप में जाऊंगा और यहाँ पर से उसको 1.5 क्रिएट करूँगा। यहाँ पर आप डुप्लीकेट करने के बाद भी उसको चेंज कर सकते हो, और मैं इसे इस तरह अपडेट कर दूंगा। इस तरह आप बहुत सारे टैग्स को भी यहाँ ला सकते हैं, और बाद में लोड इनटू प्रोजेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आप इस फर्स्ट फ्लोर के व्यू में नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर जो मेरा नाम है उसका मैं उसे सेव करके बाद में वहाँ पर लोड कर सकता हूँ। मैंने जिस भी टाइप का, जिस भी साइज़ का अगर बनाया है, A3 की टाइटल शीट बनाई है, तो मैं यहाँ पर उसका नाम सेव एज करके A3 रखूँगा। फिलहाल मैं उसे बिना सिलेक्ट किए ही फैमिली 3 के नाम से ही मैं उसको प्रोजेक्ट के अंदर लोड कर रहा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी लोड कर दिया है। यहाँ पर मैं शीट में जाकर न्यू क्रिएट करूँगा और यहाँ पर फैमिली 3 को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं फैमिली 3 को सिलेक्ट करूंगा मैं अपनी टाइटल शीट को देख पाऊंगा, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कीन अपार्टमेंट आ चुका है। ये इसलिए आ चुका है क्योंकि मैंने टैब में जाकर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर ये जो सारे पैरामीटर्स है प्रोजेक्ट रिलेटेड, यहाँ पर कीन अपार्टमेंट प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह आप प्रोजेक्ट नंबर, इश्यू डेट, उनके लेबल को यहाँ पर ला सकते हो, प्रोजेक्ट के डेट, स्केल वगैरह भी ला सकते हो। और यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आप मैन्युअली अगर उसका नाम चेंज करना चाहो तो भी यहाँ से कर सकते हो।
हम वापस मैनेज में जाकर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये नाम अपडेट हो चुका होगा। तो इस तरह इस लेबल का बेनिफिट है। कितने भी लेबल है उन सभी लेबल को आपको जानना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ चुका है हमारा नाम, कि सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और एडिट फैमिली में जाऊँगा। एडिट फैमिली में जाने के बाद जितने भी यूज़ हुए हैं ऑलरेडी मैं उसको सिलेक्ट करके उनको लेबल को चेक करूँगा और समझ लूँगा प्रोजेक्ट नंबर, और अपने नए प्रोजेक्ट में उसको प्लेस इजीली कर सकता। फॉर एग्जांपल ये स्केल का लेबल है, वो किस तरह है वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। इसके अलावा अगर हमें न्यू बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बाय डिफॉल्ट किसी भी बनी हुई टाइटल शीट को सिलेक्ट करूँगा और उसके कुछ कंपोनेंट्स है उसको इस तरह मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। डायमेंशन का टूल से इसको प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। इस तरह मैं उसको करने के बाद सेव एज करूँगा और सेव एज करने के बाद उसको मैं वापस प्रोजेक्ट में लोड कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन डेट वगैरह दिया है, आप इसको भी यहाँ पर से अगर एडिट करना है तो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फैमिली, और यहाँ पर जैसे मैं उसको डबल क्लिक प्रेस करूँगा ये फैमिली एडिटर में ओपन हो जाएगा। और फैमिली एडिटर में ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं शेड्यूल रिवीजन शेड्यूल पे क्लिक करूँगा और फील्ड को सिलेक्ट करूँगा, और ये दो जो फील्ड है रिवीजन के रिलेटेड या फिर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, मैं किसी भी नाम को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इश्यूड बाय को ऐड करूँगा और ओके करूँगा और फिर से लोड करूँगा फैमिली 3 के अंदर, क्योंकि मुझे वहाँ पर वो रिवीजन शेड्यूल अपडेट करना है। यहाँ पर मैंने वो किया ही नहीं था इसलिए मैं वापस रिवीजन शेड्यूल में जाऊँगा और इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट इसमें करूँगा जहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपग्रेड वर्जन करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपग्रेड हो चुकी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से एडिट फैमिली में जाऊँगा और जैसा कि हम शेड्यूल के साथ क्रिएट करते थे वैसे मैं इसकी साइज़ को मॉडिफाई कर लूँगा। नंबर के लिए मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। इस तरह मैं करने के बाद एस्केप दे दूँगा। तो इस तरह मैं टाइटल ब्लॉक को क्रिएट भी कर सकता हूँ और अपने ज़रूरत और स्टैंडर्ड के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ।